Hello kids, good morning. How are you all? Say I am fine. Thank you. Okay, let's start first prayer. So stand up everyone. Join your hands. Close your eyes. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the bird that sing. Thank you God for everything. Slowly, slowly open your eyes. Okay, today we will learn new action word. अच्छा आपको याद है आपने पहले कौन से action word सीखे थे? हमने कौन से action word सीखे थे? Laughing, smiling, jumping, ये सारे आपने सीखे थे ना? आज हम new सीखने वाले हैं. तो new सीखने में तो बहुत मजा आती है ना? तो टीचर के साथ करना है, पर उससे पहले हम एक बार रोली पॉली करेंगे, है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट. रोली पॉली अप अप अप, रोली पॉली डाउन डाउन डाउन, रोली पॉली लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, रोली पॉली राइट राइट राइट. सबने किया हम अब रोली पॉली को स्लो एंड फास्ट करना है. टीचर से स्लो तो आपको स्लो करना है और फास्ट कहे तो फास्ट करना है. स्लो कहे तो स्लो, देन फास्ट कहे तो फास्ट. ओके, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट. फास्ट कैसे करोगे ऐसे और स्लो कैसे करोगे ऐसे? स्लोली स्लोली. ओके, now we will learn new action word. Okay, teacher says dance, dance, dancing, dance, dancing, dance, dancing, dance, dancing. ऐसे करते हो ना, है ना? Now next drinking. अब क्या drink करते हो? Milk and water. तो drinking. Drinking, yes. Then crying, जो आपको बहुत अच्छे से आता है. Cry, crying. आप कब रोते हो? आप रोते हो ना कि नहीं रोते? कि good girl हो या good boy हो, नहीं रोते. मुझे पता है आप लोग नहीं रोते हो. तो cry, crying. Then रन, रनिंग. आप खेलने जाते हो तो रन करके जाते हो ना? रनिंग, रन, रनिंग. ओके, रिपीट अगेन विद मी. डांस, डांसिंग, डांस, डांसिंग. ओके, क्राई, क्राइंग, क्राई, क्राइंग. ओके, लाफ, लाफिंग, हा हा. जो टीचर ने आपको लास्ट मंथ में सिखाया था, लव, लाफिंग, हा हा हा, स्माइल, स्माइलिंग. देन ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, रन, रनिंग. यस, तो ये आपको कहे कोई डांस तो आप डांस करके दिखाना. क्राई तो ऐसे क्राई करके दिखाना. रन कहे तो आपको रन करना है. और लाफ कहे तो हा हा हा. फिर कोई कहे ड्रिंक तो आपको कैसे करनी है एक्शन? ड्रिंक. ओके, टुडे वी विल लर्न अल्फाबेट लेटर. ओके, हमने कहाँ तक सीखा है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, H for house, I for ice cream, J for joker. तो अब next letter is K for kite and L for lion. कौन सा letter? K and L. कहाँ है K? मुझे दिखाओ, आपको दिख रहा है K कहाँ है? This letter K. This is K and L.
कौन सा लेटर है? विच लेटर इज दिस? के फॉर काइट. अब काइट उड़ाते हो. एंड दिस इज एल फॉर लायन. के फॉर काइट. विच लेटर इज दिस? के. एंड दिस लेटर इज एल. के एल. आज के लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे हम ऑब्जेक्ट स्टिक करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज दिस. ये क्या है? काइट. तो के का काइट. के से स्टार्ट होता है ये लेटर. सो कहां स्टिक करेंगे? नियर टू के. के फॉर काइट. के फॉर काइट. के फॉर काइट. ओके, नेक्स्ट इज नाउ किंग. के क किंग. क प्रोनाउंसिएशन क. के क किंग. किंग. सो स्टिक नियर के लेटर. के फॉर काइट. के फॉर किंग. के फॉर काइट. के फॉर किंग. के नाउ विच लेटर इज दिस? के लेटर. तो के लेटर से कौन सा ऑब्जेक्ट? की है ना. दिस इज की. आपके मम्मी घर लॉक करते हैं तो किससे लॉक करते हैं? की से. ओके, के फॉर की. के क की. सो स्टिक नियर के लेटर. दिस इज नाइफ. इसमें ना के साइलेंट है, के हम प्रोनाउंस नहीं करते. के फॉर बट उसका स्पेलिंग के से स्टार्ट होता है. किससे? के से. के फॉर नाइफ. के फॉर नाइफ. आपके मम्मी वेजिटेबल्स किससे कट करते हैं? नाइफ से. एंड नाउ के फॉर कैटल. के फॉर कैटल. अच्छा ये क्या होता है पता है? इसमें हम क्या करते हैं? टी है ना. अब चाय पीते हो, अब तो मिल्क पीते हो, तो वो चाय किस में गर्म रहती है? कैटल में. किस में हम भरते हैं टी? कैटल में. सो स्टिक नियर के लेटर. के फॉर काइट. के फॉर किंग. के फॉर की. K for knife. K for kettle. K for kite. K for king. K for key. K for knife. K for kettle. के लेटर के ऑब्जेक्ट आपको पता पड़ गया ना कि कौन से ऑब्जेक्ट के लेटर से स्टार्ट होते हैं ना. नाउ अब हम K के बाद कौन सा लेटर आएगा? L. जिसमें स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग. स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन. तो कौन सा लेटर बन जाएगा? एल. ऐसे स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन. एल लेटर. ओके, आज एल फॉर उसके रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट देखेंगे. एल फॉर लायन. लायन सेज लाइन क्या करता है? ऐसा आवाज करता है. और लाइन कहाँ रहता है? जंगल में. यहाँ आपको दिखने मिलता है? नहीं. लाइन कहाँ रहता है? जंगल में. और एल फॉर लाइन. एल ल लायन. सो स्टिक नियर एल लेटर. एल ल लायन. एल ल लायन. ओके, नेक्स्ट इज लीफ. सेज लीफ. एल ल लीफ. एल से स्टार्ट होता है लेटर. एल से लाइक दिस. एल लेटर. एल लेटर. एल ल लीफ. सो वी स्टिक नियर एल लेटर. एल फॉर लायन. एल फॉर लीफ. नेक्स्ट इज लेमन. दिस इज लेमन. ये वेजिटेबल्स में हमने सीखा ना, तो लेमन.
और L love lemon. So we stick near L letter. L for lion. L for leaf. L for lemon. Now next is, wow, ये तो आपको बहुत पसंद है ना? भिंडी की सब्जी खाते हो? Lady finger. Lady finger. L lady finger. So L for lady finger. Okay. Now next object is lock. L for lock. So अच्छा ये हम की से क्या खोलते हैं? लॉक खोलते हैं ना. K for key. L for lock. K for key से हम क्या खोलते हैं? L for lock खोलते हैं, है ना? तो now repeat again with me. L for lion. L for leaf. L for lemon. L for lady finger. L for lock. तो सबको समझ में आया K और L. आज related में आपको grain में कैसे हम letter बना सकते हैं, alphabet letter, वो मैं सिखाऊंगी. ये आप घर पे कर सकते हो, है ना? कोई भी अब वेसल में grain लेके आप बना सकते हो. ओके ओके किड्स, तो टीचर ने एक पॉलीथीन ली है, उसमें सारे ग्रेन. आप पल्सेस में भी बना सकते हो, यानी दैट मींस दाले. तो पल्सेस लेके भी बना सकते हो, ग्रेन लेके भी बना सकते हो, है ना? तो उसमें आपको सारे आज मैं अल्फाबेट लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम सीखेंगे. तो आप मम्मी राइस लेके बैठे बिनने, तब उसमें बनाना सारे लेटर. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना? तो ऐसे करोगे तो आपको बहुत जल्दी से आ जाएगा. ओके, हाउ कैन वी राइट? ओके, तो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक ली है और एक पॉलीथीन में मैंने पल्सिस ली है, ब्रेड लेंटे, है ना, यानी मसूर की दाल. तो उसमें फर्स्ट लेटर इज ए फॉर एप्पल. तो स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्लिपिंग लाइन. ओके, तो आपको दिख रहा है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल. नाउ ए आफ्टर, ए के बाद कौन सा लेटर आएगा सबको पता है? गिव मी आंसर. ए फॉर एप्पल के बाद बी फॉर बॉल. तो उसके लिए आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन, देन टू कर्व लाइन, बी फॉर बॉल, देन फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन टू कर्व लाइन, बी फॉर बॉल. ओके, नाउ नेक्स्ट लेटर इज आपके मम्मी गेहूं बीनने बैठते हो, राइस बीनने बैठते हो, बैठते हैं ना, तो आप ये लेटर सारे ट्राई करना उस पे, है ना? देन बी लेटर आफ्टर सी फॉर कैट. सी में तो ओनली कर्व लाइन लाइक दिस. सी फॉर इमेजिन, सी फॉर कैट. तो वो हम किस में बनाएंगे? इसमें. सी फॉर कैट. ये तो कितना इजी बन जाता है, वो पेंसिल से लिखने, ये तो बहुत जल्दी लर्न होता है ना? पेंसिल से देर लगती है, पर इसमें तो हम फटाफट बना सकते हैं. और आपको इरेजर भी नहीं चाहिए, आप ऐसे घुमाओगे हाथ तो इरेज हो जाएगा, सारे लेटर इरेज हो जाएंगे. तो ये एक्टिविटी कितनी इजी है. सी लेटर आफ्टर डी. तो डी फॉर डॉग में स्टैंडिंग लाइन एंड वन कर्व लाइन, ऐसे स्टैंडिंग लाइन देन कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन. देखो स्टैंडिंग लाइन देन कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन कर्व लाइन. दिस इज डी फॉर डॉग. ओके, ये तो जल्दी इरेज हो गया. तो डी आफ्टर ई फॉर एलिफेंट.
E after E for elephant. तो elephant में standing line, then 3 slipping line. Look at here kids. Standing line and 3 slipping line. E for elephant. Magic लग रहा है ना? Okay, now next is E letter after F for fish. Standing line, then 2 slipping line. F for fish. Standing line, then 2 slipping line. F for fish. Now next is F after G. F ke baad kaun sa letter aata hai? G for gun. G for God. और G for God भी होता है ना, भगवान को प्रे करते तो G for God. तो इसमें आपको C जैसा curved line और like this. G for gun, G for gun, this is G for gun. और G लेटर के बाद H. तो कितने आप ऐसे नंबर भी बना सकते हो, 1 2 3, ये सारे ऐसे स्टोन से बना सकते हो, ग्रेन पे बना सकते हो, पल्सेस पे, है ना. अब नाउ नेक्स्ट इज H लेटर. टू स्टैंडिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन, दिस इज H लेटर. नाउ H आफ्टर I में 2 slipping line, I for ice cream. पर अभी ठंडी विंटर में आपको आइसक्रीम नहीं खानी है ना, नहीं तो नोज से बहुत सारी आइसक्रीम आने लगेगी, है ना. तो आइसक्रीम विंटर सीजन में नहीं खानी है. ओके, तो I for ice cream, I for ice cream. अब I के बाद each letter comes after I, J. J for jug, J for jug, J for jug. Okay, now J, J after K, जो टीचर ने आज आपको सिखाया है ना पूरे बोर्ड पे, तो how can write like this, standing line, slanting line, slanting line. K for kite, K for king, K for key. Now last letter is जो आज हमने सीखा है, last letter नहीं है, उसके बाद तो बहुत सारे letter सीखने, पर जहां तक हमने सीखा है उसमें last letter L letter. Okay, तो L में तो standing line और slipping line. Standing line, slipping line. L for lion, L for leaf, L for lady finger, L for lock. Lock होता है ना? So I will show you worksheet. इसमें आपको क्या करना है? Page number 7 and page number 9. So this is K letter. तो के लेटर पे कलर करना है जो हमने आज सीखा है. एंड देन दिस इज एल लेटर, तो एल लेटर पे भी आपको कलर करना है. और से आई एम कलरिंग, जब भी कलर कर. तो लेटर समझ में आए ना. आज हमने सारे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, J for joker, K for kite and L for lion. इतने लेटर हमने सीख लिए है ना. तो आपको घर पे रोज उसको रिपीट करना है. ओके, बाय बाय किड्स.